हाँ तो बच्चों देखो, ये अपना सेकंड वीडियो है रिपोर्ट राइटिंग का। और इसमें क्या है कि अब अपना एक टॉपिक ले लिया अपन ने, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन अपने विद्यालय में हुआ ही था, ये सबको पता है। अब उसके ऊपर किस तरीके से अपने को रिपोर्ट लिखनी है, ये तरीका मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि मैंने इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमारे विद्यालय से 27 फरवरी को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने पास्ट इंडेक्स में रखने की कोशिश की है। तो आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फंक्शन ऑन 17 फरवरी। अगला है कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ, द फंक्शन स्टार्टेड एट 10 AM। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रिपुसदन सिंह थे, तो मिस्टर रिपुसदन सिंह वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चीफ गेस्ट, अब यहाँ पर उद्घाटन करना, इसके लिए वर्ब है ये इनॉग्रेटेड द फंक्शन बाय लाइटिंग द लैम्प, ठीक है। सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना का गान किया। एट फर्स्ट ये आ गया सबसे पहले के लिए, सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थियों ने सैंग गाया, वादन किया और उस द सरस्वती वंदना। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आफ्टर दैट कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड। ये जो वाक्य है ये पैसिव वॉइस में है और इसको वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में बनाया गया है। कुछ विद्यार्थियों ने स्वरचित कविता पाठ किया। सम स्टूडेंट रिसाइटेड पोइम्स रिटन बाई देमसेल्फ, यानी उनके स्वयं के द्वारा लिखी गई। एक छात्रा ने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। वन गर्ल प्रेजेंटेड ए क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्य कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, इस तरह के जो होते हैं। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो प्रिंसिपल रेड, रीड नहीं है ये, रेड है सेकंड फॉर्म है, रेड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। मुख्य अतिथि ने एक उत्साहवर्धक भाषण दिया था। चीफ गेस्ट गेव ए मोटिवेशनल स्पीच। ये सभी जो सेंटेंस हैं ये सभी पास्ट इंडेफिनिट में हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया गया है यहाँ पे, जैसे गिव का कर दिया गेव। मिस्टर लोकिन सिंह व्याख्याता ने मंच संचालन किया। मिस्टर लोकिन सिंह लेक्चरर एंकर्ड द स्टेज। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद दिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम द प्रिंसिपल थैंक्ड टू ऑल, ठीक है। सभी आगंतुकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों को अल्पाहार और मिठाई दी गई। ऑल द गेस्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स वर गिवन, ये वर गिवन, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पैसे, लाइट रिफ्रेशमेंट यानी अल्पाहार एंड स्वीट्स मिठाइयाँ। कार्यक्रम 4 बजे संपन्न हुआ। द फंक्शन फिनिश्ड एट 4 PM। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ सेंटेंस थे 11-12, इन सेंटेंस को तुम्हें पिछली वाली रिपोर्ट देखिए, पिछला वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने किस तरीके से इन सेंटेंस को अरेंज किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अरेंज करना है। सबसे पहले लिखना है उस स्थान का नाम जहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हुआ, डेट लिखनी है, फिर तुम्हें अपना नाम लिखना है, ठीक है, और सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी है एनुअल फंक्शन, रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन, और उसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से इन सेंटेंस को एक के बाद में एक जमाना है। और ये तुम्हारा आज का होमवर्क है कि इस रिपोर्ट को तुम बनाओगे ढंग से और उसके बाद में लिख के कॉपी पे और मुझे पोस्ट करोगे।